हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं कि आप बिल्कुल हेल्दी होंगे और खुश होंगे। मैं भी ठीक हूं, पर बीते कुछ समय से मैं यूट्यूब पे काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा माहौल ऐसा हो गया था, निगेटिव सा, जिसकी वजह से काम करने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। और मुझे लगता है कि ये बीता समय जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में हर किसी को इसने किसी न किसी तरीके से प्रभावित जरूर किया है। तो चलिए इस निगेटिविटी को दूर करते हैं और धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। और मैं इस माहौल को ज्यादा स्ट्रेसफुल अब नहीं रखना चाहती हूँ और धीरे धीरे मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि उस माहौल से बाहर निकलूं और अपने काम में धीरे धीरे अपना मन लगाऊं। तो चलिए, आज मैंने फिर से शुरुआत की है अपने काम को नए तरीके से शुरू करने की और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। तो चलिए फिर एक शुरुआत करते हैं। तो इसी सिलसिले में मैं शुरुआत कर रही हूँ इस तुलसी के पौधे के गमले से। और ये गमला जो है ये बिल्कुल सादा सा प्लेन सा लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा बहुत कलर फिल करूंगी जिससे कि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। तो आपको अगर पेंटिंग नहीं आती है, जैसे मैं भी कोई बहुत अच्छी पेंटर नहीं हूँ, लेकिन किसी भी अगर प्लेन चीज पर आप थोड़े बहुत भी रंग बिखेर देते हैं तो उसकी खूबसूरती यूं ही बढ़ जाती है। तो चलिए एक कोशिश करते हैं। तो इस पे बेस कलर के रूप में मैंने व्हाइट कलर से इसे पेंट कर दिया है। आपके पास जो भी पेंट अवेलेबल हो, जैसे कि वॉल पेंट हो या एक्रेलिक पेंट हो, आप किसी भी पेंट का यूज कर सकते हैं। तो व्हाइट कलर दे देने से बेस में आप जो भी कलर इस पे करेंगे वो निखर के आता है, तो व्हाइट कलर करना इसके बेस में जरूरी होता है। इस गमले में पहले से ही एक पैटर्न आप देख सकते हैं बना हुआ है, तो उसमें जो भी कलर मुझे अच्छा लगा रैंडम कलर्स चूज करके मैं इसमें ज्यादातर मैंने बोल्ड कलर ही चूज किए हैं और मैं उसमें फील करते गई और धीरे धीरे ये देखने में बहुत खूबसूरत लगने लगा। इसके साथ ही साथ एक छोटे से पॉट में भी तुलसी लगी हुई थी तो मैंने उसे भी पेंट कर दिया। और जैसे जैसे मुझे जो भी पैटर्न समझ में आ रहा था मैं उसे पेंट करती जा रही थी और देखते ही देखते ये भी बहुत ही खूबसूरत लगने लगा। तो इसके आगे भी मैंने क्या कुछ चेंज किया है यहाँ पे, वो मैं अभी आपको आगे दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैंने आगे फिर किस तरह से इस एरिया को डेकोरेट किया है। गमले को पेंट करने के बाद मैंने यहाँ पे एक भगवान गणेश की बहुत ही प्यारी सी मूर्ति रखी है, जो देखने में ऐसी लग रही है जैसे ये लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है, लेकिन ये लकड़ी की मूर्ति नहीं है, ये मिट्टी की बनी हुई मूर्ति है। और इस एरिया में रखी हुई ये मुझे तो बहुत खूबसूरत लग रही है। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये यहाँ पे कैसी लग रही है। तो फिर देखिए कि किस तरह से गमलों में रंग भरने के बाद और ये मूर्ति रखने के बाद ये एरिया कितना खूबसूरत लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी मेरा ये छोटा सा डेकोरेशन का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और खुश रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।